आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभावों के अध्ययन के बाद अब हमारा जो अगला बिंदु है वो हमारे इस विषय की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है जो कि राजनीति विज्ञान के तहत हम पढ़ रहे हैं, और वह है वैश्वीकरण की राजनीतिक परिणतियों। इसकी क्या परिणति हो रही है राजनीति में, क्या प्रभाव छोड़ रहा है राजनीति में, अब हम इसका अध्ययन करेंगे। समकालीन प्रक्रियाओं के प्रभाव में बहस सतत रूप से चल रही है, और वह भी विभिन्न पहलुओं पर। जहाँ तक राजनीतिक पहलू की बात है तो बड़े सवाल उठ रहे हैं कि ये किस हद तक वैश्वीकरण ने विभिन्न देशों की राजनीति को प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से प्रभावित किया है। राज्य की संप्रभुता की बात, जिसका जिक्र मैंने पूर्व में किया था, वह तो एक प्रश्न बना ही हुआ है और बना रहेगा, लेकिन राज्य की संप्रभुता की परंपरागत धारणा इस पर वैश्वीकरण का असर कैसे है, इस पर लगातार विचार विमर्श और बहस होती रही है। और यदि इसका हमें जवाब खोजना है, किस प्रश्न का, कि राज्य की संप्रभुता की परंपरागत धारणा पर क्या असर पड़ा, परंपरागत शब्द को याद रखेंगे, इस पर क्या असर पड़ा है, तो हमें तीन बिंदुओं पर ध्यान रखना होगा, तीन पहलुओं को देखना होगा। पहला, वैश्वीकरण के कारण राज्य की क्षमता यानी सरकार को जो करना है उसे करने की ताकत में कमी आ रही है। मैंने एक शब्द यूज़ किया था पूर्व में, सार्वभौमिकता। सार्वभौमिक देश वह है जहाँ राष्ट्र अपने हित में निर्णय लेने के लिए पूर्ण रूपेण स्वतंत्र है। तो एक पक्ष का कहना है कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया में सरकारों की इस राजनीतिक स्वतंत्रता पर चोट पहुंच रही है, उसको प्रभावित कर रही है, दुष्प्रभावित कर रही है, उनकी अपनी स्वयं की शक्ति में कमी आ रही है। पूरी दुनिया में कल्याणकारी राज्य की धारणा अब पुरानी पड़ गई है, जो लगभग 1920 के आसपास शुरू हुई थी। कल्याणकारी योजनाएं सरकार की अहम जिम्मेदारी है, अब ये भूमिका इस प्राइवेटाइजेशन के काल में, निजीकरण के काल में, पूंजीवादी काल में थोड़ी कमज़ोर पड़ गई है, और इसकी जगह एक नई धारणा सामने आई, वो है न्यूनतम हस्तक्षेप। न्यूनतम हस्तक्षेप वही पूंजीवादी विचारधारा का सबसे महत्वपूर्ण अंग है जो अमेरिका की विचारधारा है, और चूंकि अमेरिका की वर्चस्वता पूरी दुनिया में है, निश्चित रूप से उसकी विचारधारा की वर्चस्वता भी पूरी दुनिया में है, और पूरा विश्व अब पूंजीवादी विचारधारा से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। परिणाम क्या? परिणाम यही कि सरकार का हस्तक्षेप निजी मामलों में कतई ना हो। तो ये अहस्तक्षेपकारी नीति राज्यों की जो रही है, वे एक दूसरे बदलाव की ओर इशारा करते हैं। राज्य अब मात्र कुछ कामों तक सीमित हैं। राज्य का अर्थ यहाँ स्टेट नहीं है, छत्तीसगढ़ राज्य, मध्य प्रदेश राज्य, ये नहीं है। राज्य का अर्थ यहाँ सरकार है, ये समझिए। राजनीति विज्ञान में राज्य के कई मायने हैं, तो यहाँ पे राज्य का अर्थ है शासन का अपना दायरा सीमित रखने का, जो सीमित रखने की जो पात्रता है उसमें कितना हस्तक्षेप हो रहा है। जैसे कानून और व्यवस्था, इसको बनाए रखने की जिम्मेदारी सरकार की है। नागरिकों की सुरक्षा करना, सुरक्षा रखना, ये सरकार की है। सीमाओं की सुरक्षा रखना, ये सरकार की जिम्मेदारी। विदेशी राज्यों से संबंध रखना, ये सरकार की जिम्मेदारी। लेकिन अंदरूनी मामलों में, जिसमें विशेषकर आर्थिक मामले हों, सामाजिक मामले हों, सांस्कृतिक मामले हों, शिक्षा और अन्य संबंधी मामले हों, धार्मिक मामले हों, इसमें न्यूनतम हस्तक्षेप अपेक्षित है वर्तमान स्थिति में। इस तरह से राज्य जो है उसने अपने को पहले से ऐसे बहुत सारे लोक कल्याण कामों से अपने को बाहर खींच लिया है जिनका लक्ष्य होता था समाज का आर्थिक विकास, समाज में समानता का प्रयास, और ऐसा करते हुए सामाजिक कल्याण लाना।
हमारे देश के संदर्भ में यदि हम बात करें तो हाथ खींचने का क्या अर्थ है? जिस देश में, भारत में मनरेगा जैसी योजनाएं, जिसमें जिसको प्रारंभ करने का उद्देश्य यही है कि न्यूनतम कुछ दिनों के लिए लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सरकार, ताकि उन लोगों की जीविका दुष्प्रभावित ना हो बल्कि उन्हें कुछ ना कुछ पैसा मिले, इसके पीछे उद्देश्य क्या है? समाज कल्याण, जन कल्याण। लेकिन ऐसा देश जो पूर्ण रूपेण पूंजीवादी हो गया है, ऐसा देश जो पूर्ण रूपेण सरकार के की योजनाओं को या सरकार के दायरे को बहुत सीमित नज़रिए से देखता है, वहाँ पर मनरेगा जैसी योजनाएं कतई वांछनीय नहीं हैं। अब बाजार आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं का मुख्य निर्धारक हो गया है। मैंने कुछ देर पूर्व आपको बताया था कि मार्केट फोर्स क्या होता है। ये जो बाज़ार की ताकतें हैं, बाज़ार की शक्ति, ये तय करती हैं कि ग्राहक कितना खरीदे, क्या खरीदे, कैसे खरीदे और क्या ना खरीदे आदि आदि। व्यक्ति उस हद तक अब स्वतंत्र नहीं रह पाया है। तो इस प्रकार बाजार और प्राथमिक सामाजिक प्राथमिकताओं का निर्धारण यदि मार्केट फोर्सेस कर रही हैं तो लोक कल्याणकारी योजनाएं उस हद तक सरकार की नज़र में पीछे हो गई हैं और इनकी भूमिका बढ़ गई है। इससे सरकारों के अपने दम पर फैसला करने में निश्चित रूप से कमी आई है। तो सरकार के अपने दम पर फैसला करने का एक कारण वैश्वीकरण उतना नहीं है या सार्वभौमिकता का नुकसान उतना नहीं है जितना कि बाजारू ताकतों का ज़्यादा ताकतवर होना। इसी के साथ एक बात और वो है कि वैश्वीकरण से हमेशा राज्य की ताकत में कमी आती हो, ऐसी बात भी नहीं है। हम अपनी संप्रभुता को अक्षुण्य बनाए रखते हुए भी वैश्वीकरण में अग्रसर हो सकते हैं। राजनीतिक समुदाय के आधार के रूप में राज्य की जो प्रधानता है उसे आज तक वैश्वीकरण में चुनौती नहीं मिली। इस भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है जहां की सत्ता को वैश्वीकरण ने चुनौती दी हो या सत्ता पर वैश्वीकरण का इतना भारी प्रभाव पड़ा हो कि राजनीतिक सत्ता अपने को बिल्कुल पंगु मानने लगे। इस राज्य में अर्थ यही है कि आज भी राज्य जो है वो सर्वोच्च है, प्रमुख है। विश्व की राजनीति में अब भी विभिन्न देशों के बीच जो ईर्ष्या है, पुरानी प्रतिद्वंद्विता है, पुराना इतिहास जो है उसका प्रभाव बना हुआ है, उसका दखल बना हुआ है। राज्य कानून और व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा, ऐसी चीज़ों को अनिवार्य रूप से पूरा कर रहे हैं और इसे अनिवार्य मानते हैं और इन मामलों में बहुत सोच समझकर अपने कदम उन्हीं दायरों से खींच रहे हैं, उन्हीं क्षेत्रों से खींच रहे हैं जहां उनकी मर्जी हो, लेकिन काफ़ी सोच समझ के बाद। कहने का तात्पर्य कि राज्य आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने पूर्व में थे, जब देश एक दूसरे के बीच प्रतिद्वंद्विता करते थे, चाहे वो क्षेत्रीय मामले में प्रतिद्वंद्विता हो, चाहे किसी अन्य क्षेत्र में हो, पर राज्य की अहमियत आज भी बरकरार है। कुछ मायनों में वैश्वीकरण के फलस्वरूप तो ऐसा देखा गया है कि राज्य की ताकत में इजाफा हुआ है, शासन जो है वो और ज़्यादा अहम बन चुका है। अब तो राज्यों के हाथ में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी मौजूद है, अत्याधुनिक संचार माध्यम मौजूद हैं। इन सब के बलबूते पर राज्य अब अपने नागरिकों के बारे में सूचनाएं जुटा सकते हैं। आज वर्तमान में हम यदि सोशल मीडिया की बात करें तो हम बारंबार
इस बात को सुनते आए हैं और वाकिफ हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार के पास देश के समस्त नागरिकों का पूरा डेटा एकत्रित है, उसका वो जैसा उपयोग चाहे कर सकती है। और इस बात की शंका भी बनी हुई है कि इस डेटा के की पहुंच सरकार तक होने के कारण सरकार की पकड़ एक तरीके से इतनी मजबूत हो सकती है जिसमें तानाशाही बू आए। तो ये बात तो इसको साबित करती है कि सत्ता या राजनीतिक सत्ता जो है वह आज के परिप्रेक्ष्य में संचार माध्यमों के कारण और मजबूत हुई है। इस सूचना के दायरे में आने के बाद सरकार बल्कि अपनी योजनाओं को, अपने कार्यों को और बेहतर तरीके से क्रियान्वित भी कर सकती है, क्योंकि उसकी क्षमता बढ़ी है, उसके जो डेटा हैं वो ज़्यादा वैज्ञानिक स्तर पर खड़े हैं। तो क्षमता में कमी होने की बात तो नाजायज है वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य में। नई प्रौद्योगिकी ने राज्य को सबसे ज़्यादा ताकतवर और ज़्यादा ताकतवर बना दिया है, इसमें कोई दो मत नहीं। इन प्रभावों को जानने के बाद विभिन्न क्षेत्रों में भूमंडलीकरण का प्रभाव, ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव, इसको समझने के बाद हम अब अगले बिंदु पर बढ़ते हैं कि आखिर हमारे सामने चुनौतियां क्या हैं। एक तो चुनौतियां वो हैं जो नकारात्मक संकेत दे रही हैं, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे सांस्कृतिक क्षेत्र में हो या आर्थिक क्षेत्र में हो। ये तो चुनौतियां हैं, पर इसके उत्तर भी है। इन चुनौतियों का सामना किस तरीके से किया जाए ताकि राज्य की सत्ता सार्वभौमिकता बनी रहे, यही एक पहलू है जिसका हमें अध्ययन करना है। तो अगला बिंदु है चुनौतियों संबंधित। ये जो वैश्वीकरण है इसने निश्चित रूप से समानता की भावनाओं को बढ़ाया है, इससे आप सहमत होंगे, क्योंकि पश्चिमी जगत की परंपराएं, साहित्य, विचारधाराएं जहां अन्य देशों में जारी हैं, वहीं अन्य तथाकथित कमजोर देशों की परंपराएं उन देशों में पहुंच रही हैं जो अपने को ताकतवर मानते हैं और वहां के विचारों को प्रभावित कर रही हैं। तो समानता की भावना बढ़ी है, ज्ञान में साझेदारी भी बढ़ी है, विश्व शांति, मानवता और विकास, इसमें भी निश्चित रूप से वार्धक्य हुआ है। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है, लगभग 70 वर्ष से ऊपर हो गए, ऐसी कोई घटना नहीं हुई जिसने तृतीय विश्व युद्ध को जन्म दिया हो, बल्कि संचार माध्यमों के कारण ही तृतीय विश्व युद्ध एक तरीके से टलता रहा। तो इसलिए ये कहना गलत होगा कि वैश्वीकरण ने स्थितियों को बदतर बनाया है। लेकिन दूसरी ओर नकारात्मक पहलुओं का जिनका मैंने जिक्र किया है, वो चिंताएं तो हैं ही, वे परेशानियां तो हैं ही। उनको संक्षिप्त में यदि हम पुनः बात करें तो पहली चिंता जो है वो सामाजिक और आर्थिक विषमता को, सामाजिक और आर्थिक असमानता को बढ़ावा मिलना। यहाँ पे मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि आर्थिक असमानता की जो बात है वो किसी एक देश के अंदर कुछ ज़्यादा ही परिलक्षित हो रही है वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि उस देश का एक बहुत छोटा वर्ग जो धनाढ्य वर्ग है वो इस वैश्वीकरण की प्रक्रिया का पूरा फायदा उठाने में सफल हो रहा है। लेकिन 70% आबादी, 80% आबादी ऐसे देशों की जिन्हें हम विकासशील कहते हैं या निर्धन देश कहते हैं, वहाँ पर निश्चित रूप से इसका प्रभाव ठीक नहीं है और इसीलिए चिंता की बात है। लेकिन कई देशों को लाभ भी पहुँचा है। गरीब देशों की यदि बात करें तो गरीबी के आंकड़े बढ़े हैं और यही बहुत बड़ी चिंता की बात है। 80% देशों में प्रति व्यक्ति आय अभी न्यूनतम स्तर पर है। इतने ज़्यादा वैश्वीकरण के बावजूद, और बल्कि ये देखा गया है कि जो आय है उसका अधिकतर हिस्सा दिनों दिन उस सीमित लोगों को ही जा रहा है जिन्हें हम धनाढ्य वर्ग मानते हैं। इस प्रकार
इसमें कोई दो मत नहीं कि आर्थिक और सामाजिक विषमता बढ़ी है। दूसरी चिंता, सूचना प्रौद्योगिकी के कारण सांस्कृतिक विविधता में गिरावट आई है। इसका जिक्र मैं ऊपर पूर्व में कर चुका हूँ कि इसके क्या मायने हैं। तीसरा, तकनीकी ध्रुवीकरण। ध्रुवीकरण का अर्थ क्या होता है? ध्रुवीकरण का अर्थ, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं पोल्स, दो तीन चार ऐसे खेमे बन जाते हैं जो तकनीकी दृष्टि से बिल्कुल अलग अलग दिखाई देते हैं। यहाँ पर यदि मैं तकनीकी ध्रुवीकरण की बात कर रहा हूँ तो इसका अर्थ ये है, कुछ ऐसे देश हैं जिन्हें हम विकसित राष्ट्र कहते हैं, वे वैज्ञानिक दृष्टि से, तकनीकी दृष्टि से बहुत बहुत आगे हो गए। उल्टे 80% देश ऐसे हैं जो तकनीकी दृष्टि से पीछे हो गए हैं। वहाँ वैज्ञानिक खोज या तो नहीं हुई है, या जो वैज्ञानिक खोजें पश्चिमी देशों में हुई हैं उसका फ़ायदा इन देशों को नहीं दिया जा रहा है या नहीं मिल रहा है। परिणाम क्या कि ध्रुवीकरण बढ़ गया है, खेमा और बढ़ता चला जा रहा है, इनके बीच की जो खाई है वह और बढ़ती चली जा रही है, जो एक चिंता का विषय बना हुआ है। अगली चिंता जो है वो है इसी के मद्देनज़र कि विकसित और विकासशील देश, इनके बीच जो पर्यावरण संरक्षण को लेकर जो बात उठी है उस पर बार बार टकराव हो रहा है, उस पर बार बार विवाद हो रहा है। ये पर्यावरण की समस्या को लेकर जो विवाद है वो इतना गहरा गया है कि सभी तरफ की कॉन्फ्रेंसेस, मीटिंग्स और प्लेटफॉर्म्स पे जो सम्मेलन हो रहे हैं उसका कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकल पा रहा है। पर्यावरण की समस्या विकसित और विकासशील देश के बीच में कितनी गहरी और क्यों है, और क्यों इसका हल नहीं निकाला जा सका है, उसके बारे में किसी अन्य अध्याय में हमने अध्ययन किया है। लेकिन यहाँ ये जान लें कि पर्यावरण को लेकर विकसित देश जहाँ विकासशील देशों को दोषी मानते हैं, वहीं विकासशील देश इसके लिए विकसित देशों को दोषी मानते हुए उनसे ज़्यादा भरपाई मांगते हैं। और इसी भरपाई के मुद्दे को लेकर विश्व दो भागों में बढ़ चुका है और समस्या और गहराते जा रही है। अगली चुनौती पर्यावरण के अलावा स्वास्थ्य सुविधाओं संबंधी, पूरा ध्यान जो है वैश्वीकरण की प्रक्रिया में आर्थिक संपन्नता, जिसे मैं तथाकथित आर्थिक संपन्नता कहूँगा, उसकी ओर चला गया है। और इस आर्थिक संपन्नता में जो आधारभूत जो ढांचे में जो ज़रूरत हैं, जैसे स्वास्थ्य या शिक्षा, इस पर ध्यान कम और कम और कम होता जा रहा है। स्वास्थ्य सुविधाओं का कोई विशेष विस्तार इन 80% देशों में जहाँ अधिकतर जनसंख्या रहती है वहाँ पर नहीं देखा गया है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये चुनौतियाँ वैश्वीकरण की आज मुंह बाय खड़ी। इस प्रकार वैश्वीकरण से होने वाली या वैश्वीकरण से मिलने वाली चुनौतियाँ यहीं समाप्त नहीं होती। पर्यावरण संबंधी चुनौती सबसे अहम है उन चुनौतियों में जिनका मैंने अभी तक जिक्र किया है, लेकिन इसके अलावा कुछ और परेशानियां हैं जो आने वाले विश्व को झेलनी हैं, और वैश्वीकरण से एक ऐसा रास्ता निकालना है जिनसे इन चुनौतियों के प्रभाव को, दुष्प्रभाव को रोका जा सके। आखिर वे क्या हैं? एक नई संस्कृति सामने आ रही है। आप आज के समाज में पाएंगे कि तथाकथित आधुनिकीकरण के नाम पर जो पाश्चात्यकरण हो रहा है उसका प्रभाव विभिन्न समाज के वर्गों पर क्या पड़ रहा है, और इसका कारण है मशीनवादी संस्कृति का आना। ऐसी संस्कृति जो पूरी तरह मशीन पर आधारित हो और जिसका मशीनीकरण हो गया हो, ऐसी संस्कृति जो विविधता को समाहित ना करते हुए पूरे विश्व में
छाने का प्रयास कर रही है, जिसे हम कह सकते हैं मशीनवादी संस्कृति, परंपरावादी संस्कृति, अपने देश की अपनी क्षेत्रीय संस्कृतियाँ, ये सब दरकिनार होती नज़र आ रही हैं। तो ये बढ़ती हुई मशीनवादी संस्कृति एक बहुत बड़ी चुनौती है। अगला है अर्थनीति और राजनीति। चाणक्य के अर्थशास्त्र की यदि हम बात करें, जो उसकी प्रसिद्ध पुस्तक है, उस पुस्तक का शीर्षक अर्थशास्त्र, लेकिन उस पुस्तक में राजनीति और आर्थिक मुद्दों को बिल्कुल एक नज़रिए से देखते हुए, बिल्कुल एक अंग के रूप में देखते हुए विवरण किया गया है। आज के परिप्रेक्ष्य में वैश्वीकरण का दुष्प्रभाव ये है कि अर्थनीति और राजनीति दोनों अलग अलग कंपार्टमेंट बन चले हैं, और ऐसा ही नहीं हुआ है बल्कि एक तरीके से दोनों विरोधाभासी हो गए हैं। इससे परिणाम स्वरूप राजनीतिक सत्ता और निजी जो वाद है, पूंजीवाद, इसके बीच में टकराव बहुत बढ़ते जा रहा है, विवाद बढ़ते चला जा रहा है। इससे एक देश में नए संकट, नए टकराव पैदा हो रहे हैं। पूंजीवादी व्यवस्था में धनाढ्य वर्ग के लोग शासन को चुनौती दे रहे हैं, उनकी राजनीति को चुनौती दे रहे हैं, और राजनीतिक सत्ता इन पूंजीवादों के मुट्ठी में एक तरीके से समा गई है। ये बढ़ती चुनौती एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। अगली समस्या, अगली चुनौती बहुराष्ट्रीय कंपनियों से जुड़ी हुई है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां, अर्थात अंग्रेजी में जिसे मल्टीनेशनल्स कहते हैं, जिसका मैंने जिक्र पूर्व में किया, अमेज़न, फ्लिपकार्ट या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ या बहुत सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो फैली हुई हैं, इनका दुष्प्रभाव बिल्कुल परिलक्षित है, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। इसके अलावा विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र की जो परिकल्पना की गई थी, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन, SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन और बहुराष्ट्रीय कंपनियां, ये पूरे विश्व में जो अपना जाल बिछा रही हैं, एक तरीके से शासन को, सत्ता को, वहाँ की राजनीति को लगातार प्रभावित कर रही हैं। और ऐसा ही नहीं, उस क्षेत्र में जो किसान हैं, वे भूमि से बेदखल किए जा रहे हैं, उन पर कब्जा हो रहा है और उनका शोषण हो रहा है। ज़मीन लेते समय बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ या स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कार्यरत कंपनियाँ इस बात का वादा करती हैं कि किसानों को पर्याप्त इसके बदले जो मिलना चाहिए वो मिलेगा, लेकिन ऐसा शायद ही कहीं कमोबेश देखा जा रहा हो कि किसानों के साथ न्याय हो रहा है। किसानों के अन्याय के साथ साथ इसका असर निश्चित रूप से फसल उत्पादन पर भी तो पड़ेगा। अगली चुनौती देशी अर्थव्यवस्था को विश्व व्यापार में मिलाने की। जब देशी अर्थव्यवस्था को विश्व व्यापार से इंटीग्रेट करने का प्रयास होता है, तो सभी जगह ये देखा गया कि इन देशी उद्योग जो हैं, जिसे हम लघु उद्योग कह सकते हैं, इनका ह्रास हो रहा है, इनमें गिरावट आ रही है। जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो तत्कालीन शासन लघु उद्योग पर बहुत जोर दे रहा था, और उसने सोचा था कि लघु उद्योग के बल पर हम रोजगारी की समस्या का निराकरण करने में काफ़ी कुछ सफल होंगे। दुर्भाग्य से इस वैश्वीकरण ने लघु उद्योगों की संख्या को न सीमित ही नहीं किया, बल्कि एक तरीके से नष्ट कर दिया है। और लघु उद्योगों में मूल रूप से ग्रामीण उद्योग शामिल हैं, और ऐसे उद्योग जिनका संबंध कला से हो, ये शामिल हैं। आज हम इन्हें लुप्त प्राय होते हुए देख रहे हैं। वैश्वीकरण का ये बहुत बड़ा दुष्परिणाम निश्चित रूप से स्पष्ट दृष्टिगोचर है। दसवीं चुनौती गरीबी को लेकर है, बेरोजगारी को लेकर है, अशिक्षा, स्वास्थ्य समस्या, पलायन, पुनर्वास। इन पर यदि हम एक एक बिंदु को लेकर बात करें तो विषय काफ़ी बढ़ जाएगा, लेकिन इन बिंदुओं पर विभिन्न अध्यायों में जो आपको बताया गया है, वे समस्याएं एक तरीके से वैश्वीकरण का ही परिणाम
मानी जा सकती हैं, वैश्वीकरण के प्रभाव के रूप में देखी जा सकती हैं। गरीबी और बेकारी का जिक्र तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले किया ही, स्वास्थ्य की समस्या के बारे में भी जिक्र किया। जहाँ तक पलायन है, ये पलायन की समस्या से तात्पर्य ये है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां और SEZ जो ज़मीन ले रही हैं तो किसानों को विवश कर रही हैं वो भूमि छोड़ने के लिए। अब जब किसान भूमि छोड़ते हैं तो वो रोज़गार के लिए, अपनी दैनंदिन कमाई के लिए वे शहर की ओर भागते हैं, क्योंकि वहाँ उन्हें उद्योगों में मजदूर के रूप में काम मिलता है। तो इस प्रकार जो मोबाइल पॉपुलेशन, जो पलायन के कारण जो जन्मी हैं, उनका ना अपने खुद की शिक्षा का कोई उचित व्यवस्था है, न स्वास्थ्य की, न रहन सहन की, न खान पान की। परिणाम क्या है? परिणाम ऐसी गंदगी इनकी झुग्गी झोपड़ियों के आसपास फैली हुई है, जो आप हर शहर में, शहर के अंदर और शहर की सीमाओं में आप देख सकते हैं। ये संभवतः काफ़ी कुछ उस वैश्वीकरण का ही परिणाम है जिसका हम यहाँ अध्ययन कर रहे हैं। 11वां दुष्प्रभाव, भूमंडलीकरण जो है वो क्षेत्रीयतावाद को बढ़ाता है, क्योंकि इसमें लोगों का लक्ष्य सत्ता को किसी भी तरीके से प्राप्त करना रहता है। सत्ता की भूख उन्हें कुछ भी करने के लिए तत्पर रखती है, और इस प्रकार क्षेत्रीयतावाद को बढ़ाने का अर्थ ये हुआ कि जब हम क्षेत्रीयतावाद को बढ़ाते हैं तो उसकी कीमत दूसरे क्षेत्रों में को चुकानी पड़ती है। 12वां, उपभोक्तावादी संस्कृति। ये क्या है? उपभोक्तावादी संस्कृति से क्या तात्पर्य है? उपभोक्ता अर्थात कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन है? सारी जनता कंज्यूमर है। अब जो उत्पादन हो रहा है वो जनता पर लादने के लिए, उनके विचारों को काफ़ी प्रभावित करने के लिए हो रहा है, और विज्ञापनों के माध्यम से, विभिन्न पैकेज और स्कीम्स के माध्यम से जनता जनार्दन के विचारों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करके ऐसा उसे कर दिया जाता है कि वह विवश हो जाता है मार्केट में आए हुए प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए। इसे कहते हैं उपभोक्तावादी संस्कृति, कंज्यूमरिज्म। जरूरत हो तो हम सामान खरीदें, अब वो समय नहीं रहा। हम में से अधिकतर लोग सामान इसलिए खरीदते हैं, मोबाइल खासकर इसलिए खरीदते हैं, इसलिए नहीं कि इसकी ज़रूरत है। नए मोबाइल इसलिए खरीदते हैं क्योंकि हम उस मोबाइल के विज्ञापनों से बहुत प्रभावित हो गए हैं, और वो प्रभावित होना हमें विवश करता है कि हम अपने अच्छे खासी मोबाइल को, यद्यपि वो पुरानी हो गई, उसे फेंकें, दरकिनार करें और नई मोबाइल खरीदें। यही बात ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को लेकर है और अन्य चीज़ों को भी लेकर है। इसे कहते हैं उपभोक्तावादी संस्कृति। समाज में गैर बराबरी बढ़ रही है, सामाजिक विकृतियां बढ़ रही हैं, और परिणाम क्या होता है? एक ऐसा वर्ग उत्पन्न होता है, सामने आता है, जो उपेक्षित महसूस करता है, जो अपने को तिरस्कृत महसूस करता है, जो अपने को फ्रस्ट्रेटेड महसूस करता है, और परिणाम हिंसा, अपराध, इसमें लिप्त होना। तो वैश्वीकरण ने बढ़ते हुए अपराधों को भी जन्म दिया है, वैश्वीकरण ने सामाजिक विकृतियों को जन्म दिया है। और आपके इस अध्याय के अनुसार अंतिम चुनौती, वैसे तो बहुत सारी हैं, पर 13वीं और अंतिम चुनौती जिसका पूर्व में जिक्र किया जा चुका है, वह है न्यू ग्लोबलाइजेशन, अर्थात नव उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद क्या है, इसका हमने अध्ययन किया है, और उपनिवेशवाद के बाद हमने ये भी जाना कि किस प्रकार नियो इम्पीरियलिज्म आया, नव साम्राज्यवाद। अब ये नव साम्राज्यवाद की चिंता समाप्त हुई ही नहीं थी कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया में एक ऐसी विचारधारा सामने आई जिसमें ये महसूस किया जाने लगा कि विकसित देश, औद्योगिक रूप से संपन्न देश, संचार साधनों से संपन्न देश, अपनी चीज़ों को विश्व के अन्य देशों पर लादते हुए कुछ नहीं करना चाहते, बल्कि अपना मार्केट बढ़ाकर एक तरीके से नए तरीके का उपनिवेश बनाए रखना चाहते हैं, जिसे नव उपनिवेशवाद कहते हैं। और इसमें जहां विकसित देशों को फ़ायदा है, वहां
दुर्भाग्य से गरीब और छोटे देशों की बहुत अवहेलना होती है, और ये स्पष्ट दृष्टिगोचर है।